सेक्स और धोखे का मामला सामने आया है। या MBBS की छात्रा ने गुजरात कैडर के IAS अफसर गौरव ढैया पर शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर तैनात रहे गौरव ढैया पर यह गंभीर आरोप लगाया। छात्रा के मुताबिक IAS अफसर ने फेसबुक पर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, फिर फेसबुक के मैसेंजर पर चैट करता था। बाद में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आरोपी की गौरव ढैया ने छात्रा को दिल्ली ले जाकर उसके साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींची। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उससे शादी करने का झांसा दिया, जबकि हकीकत में IAS अफसर की शादी हो चुकी थी। आरोपी ने छात्रा से भी शादी कर ली। बाद में छात्रा को एक बेटी पैदा हुई। इसके बाद आरोपी छात्रा और उसकी बेटी को छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने अब इंसाफ के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। और ये आप अलीगढ़ से तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये जो मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर यहाँ पर धोखा किया गया है और IAS ऑफिसर जिसकी बात की जा रही है, उसने एक शादी होने के बावजूद भी दूसरी शादी यहाँ पर की है और उसके बाद एक बेटी होने के बाद पीड़िता को छोड़कर फरार हो चुका है। अब इस मामले में पीड़िता ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है, न्याय की गुहार लगाई है। उन्हें बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी, फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं मतलब तुमने अगर छोड़ के गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा। सर मैं थोड़ा इमोशनली थोड़ा अटैच हुई इस चीज़ से कि ठीक है वो मुझे इतना प्यार करता है। सर इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ दिन में पता चला कि ये शादीशुदा है, तो जब मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा कि क्या आप शादीशुदा हो, तो वो मुझे पता चला सर उनके मतलब फेसबुक से, तो फेसबुक प्रोफाइल से, तो उन्होंने मुझे बोला, पहले तो उन्होंने आनाकानी की, मुझे काफ़ी दिन तक बताया ही नहीं, वो टालते रहे, झूठ बोलते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं उनके लगातार इस चीज़ के लिए पीछे पड़ती रही, मैंने उनसे गुस्से में बात करना बंद कर दिया, तो एक दिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए बात कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मैं डिवोर्स ले रहा हूँ क्योंकि मेरे रिलेशन ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। सर उसके बाद वो मुझे शादी के लिए फिर से बोलने लगे, तो मैंने कहा जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं है तो हम शादी कैसे कर सकते हैं। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अलीगढ़ की, डॉक्टर की तस्वीरें हैं जिसको शादी का झांसा देकर IAS ऑफिसर ने और जिस तरह से अलीगढ़ की डॉक्टर का कहना है कि लगातार एक शादी होने के बावजूद भी दूसरी शादी की है, साथ ही साथ बेटी होने के बाद अब IAS अफसर फरार है, ऐसे में न्याय की गुहार के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। देखना ये होगा कि आखिर पीड़िता को इसमें कब तक न्याय मिलता है। बड़े पद पर तैनात IAS ऑफिसर का ये कारनामा सामने आया है। शादी का पहले तो झांसा दिया, उसके बाद एक शादी होने के बावजूद दूसरी शादी की और उसके बाद बेटी के पैदा होने के बाद आरोपी फरार है। यहाँ पर IAS अफसर का लव सेक्स धोखे का मामला सामने आया है। MBBS की छात्रा का किया यौन शोषण। और इसी खबर पर अलीगढ़ से हमारे साथ अर्जुन देव जुड़ रहे हैं। जी अर्जुन, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ये जो मामला अलीगढ़ से सामने आया है, बताया जा रहा है कि MBBS की ये छात्रा रही है, IAS ऑफिसर ने किसी तरह पहले शादी का झांसा देकर अपने प्यार के जाल में फंसाया था और उसके बाद बहुत दबाव होने पर शादी तो की, बेटी भी हुई, लेकिन उसके बाद अब फरार चल रहा है। तो क्या कुछ इसमें आगे बचा है, क्या पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, क्या IAS ऑफिसर की अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? जी, मैं आपको बताऊँ, एक तो इस मामले में जो IAS ऑफिसर थे वो तो सस्पेंड कर दिए गए हैं और उनके अलीगढ़ के जो अथॉरिटी थाना क्षेत्र के अंदर विभागीय मीडिया में आई है। इससे पहले इनका मामला पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ही पंजीकृत कर लिया गया था और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो आरोपी जो IAS ऑफिसर है वो सस्पेंड चल रहा है और पुलिस किसकी गिरफ्तारी के पूरे काम कर। जी बिल्कुल, इसमें जिस तरह से पीड़िता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भी न्याय की गुहार लगाई है, ऐसे में अब तमाम शासन प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं बताऊं कि राष्ट्रपति के लिए जब उन्होंने लेटर लिया, लेटर लिखने के बाद वो मिली एम आई है, उससे पहले पुलिस प्रशासन ने पूरी इनकी मदद की है और IAS अफसर जब ये कार्रवाई हुई तो उसको पुलिस ने वहां से सस्पेंड भी कर दिया था। जी बिल्कुल, पीड़िता की जब बात की जा रही तो पीड़िता की एक बेटी भी है, तो इस बारे में क्या जानकारी, कितनी बड़ी बेटी है, कितने दिनों पहले आरोपी छोड़कर फरार हुआ है इन दोनों लोगों को? दोबारा सवाल कीजिए। जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो MBBS की छात्रा है जिन्होंने आरोप लगाया है कि IAS ऑफिसर अब छोड़कर फरार हो चुका है, तो कितने दिनों पहले छोड़कर फरार हुआ है, साथ ही साथ बेटी की उम्र कितनी बताई जा रही है, पीड़िता के साथ कितने दिनों तक रहा था?
जी, मैं आपको बता दूं, इसके संबंध में जो एक फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी, आई है बॉबी सर की, उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। उनको ये नहीं मालूम नहीं था कि उसकी पहले शादी हो चुकी है। उसके बाद जब शादी होने के बाद इनको मालूम पड़ी है कि उसकी एक शादी हो चुकी, शादी के बाद उसकी बेटी होगी, बेटी के बाद उनको छोड़ के चला गया। बेटी वर्तमान में दिखी, बेटी 1 साल करीब है। जी बिल्कुल, तो अब इस मामले में क्या आईएएस ऑफिसर जहां का है वहां पर पुलिस ने छानबीन की है, क्या सस्पेंड होने के बाद इस पर कोई केस दर्ज हुआ है? क्योंकि एक शादी आईएएस ऑफिसर की पहले हो चुकी थी, एक शादी के रहते दूसरी शादी यहां पर की है, तो कानूनन भी अपराध है यहां पर, तो क्या किसी तरह का केस रजिस्टर किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई है और खुद केस भी चला गया है। और यह मैं आपको बता दूं, जब इनके जो झांझाके जो आईएएस ऑफिसर रहने वाले हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से गए थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए गई है, लेकिन अभी तक कोई उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे जो पीड़िता है, पीड़िता का क्या कहना है? क्या वो आईएएस ऑफिसर के साथ आगे रहना चाहती है अपने पति के साथ, या फिर डिवोर्स लेना चाहती है? आगे की क्या कुछ कार्रवाई होनी है, क्या सोचा है? जी, उसने पीड़िता ने तो राष्ट्रपति से मांग की है कि अगर मेरी उस पर शादी नहीं होती तो मैं आत्महत्या भी कर सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं आपको बता दूँ कि पुलिस ने अभी जो गिरफ्तारी होने के बाद ही सारी जानकारी हो पाएगी कि जो आईएएस ऑफिसर है वो इसको रखना चाहेगा या नहीं रखना चाहेगा। जी बिल्कुल, इसके अलावा भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह का जब मामला सामने आता है और अक्सर इस तरह की जब घपलेबाजी करते हैं, साथ ही साथ एक जिम्मेदार पद पे रहने के बाद एक ऑफिसर जब इस तरह की हरकत करता है, तो यहाँ पर समाज को बचाने के लिए, साथ ही साथ जिस तरह का माहौल अभी आसपास है उसको भी बचाने के लिए कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर धोखे की बात सामने आ रही है, एक शादी के होते हुए दूसरी लड़की को यहाँ पर फंसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं शादी का झांसा देकर आगे अपना संबंध बनाए गए हैं, तो ये एक बड़ा कानूनी अपराध है। दूसरी बात ये कि सरकार के जिम्मेदार पद पर रहते हुए जब कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है, कारनामा करता है, तो ये पूरे समाज के साथ उस डिपार्टमेंट के लिए भी शर्म की बात है। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? डिपार्टमेंट के द्वारा सस्पेंड हालांकि कर दिया गया है, लेकिन इस तरह की चीज़ें दोहराई ना जाए उसके लिए क्या कुछ हो रहा है पुलिस की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से? जी, मैं आपको बताऊँ, ऐसे कई मामले आज सामने आए हैं जिनमें कि जो पहला मामला आया है कोई आईएएस अधिकारी का, लेकिन सीओ लेवल तक तो ये मामला आए हैं कि कई सीओ ने या सिपाहियों ने ऐसी हरकतें करी हैं, लेकिन आईएएस ऑफिसर का जो पहला मामला आज में आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये महिला की तरफ से पुलिस प्रशासन से भी प्रोटेक्शन की मांग की गई है। फिलहाल उन्होंने कही है कि जब तक गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने के बाद मेरी उसे शादी कराई जाए। जी, इसके अलावा ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि आईएएस की जिस तरह से पहली शादी हो चुकी थी उसके बाद ये दूसरी शादी की है, कहीं ना कहीं काफी दबाव होने के बाद में, तो क्या पहली शादी से भी बच्चे हैं जिसकी वजह से? क्योंकि ऐसे में अगर होता है तो दो दो परिवारों की जिंदगियां खराब होंगी एक आईएएस ऑफिसर की गलती के चलते या उनके कारनामे के चलते, तो इस बारे में क्या कोई जानकारी है आपके पास? जी, सबसे मैं कुछ जानकारी ली थी, इसमें युवती का कहना यह था कि मेरे को तिरुपति बालाजी मंदिर पर लिया गया, मेरे शादी करेंगे, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार अलीगढ़ से खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर लव सेक्स धोखे का यह मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने शिकायत राष्ट्रपति से भी की है। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, तस्वीरें भी आप बच्ची की देख पा रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 साल की बच्ची बताई जा रही है। ऐसे में एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए, आईएएस ऑफिसर के पद पर रहते हुए इस तरह का कारनामा जो भारत सरकार के अधिकारी करते हैं, जिम्मेदार अधिकारी करते हैं, तो पूरे समाज के लिए ये एक दुख की बात है, चिंता की बात है। क्योंकि जो लोग नियम बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, जब वो खुद ही इस तरह के कारनामों में लिप्त पाए जाएंगे तो बाकी समाज को किस तरह से समझाया जाएगा? ऐसे में पीड़िता ने अब ये गुहार लगाई है, राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई है कि शादी का झांसा देकर जिस तरह से यौन संबंध बनाए गए, जिस तरह से लड़की को फंसाया गया है, ऐसे में अब उसके साथ न्याय होना चाहिए। कहना उसका ये भी है, हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी कि लड़की का ये भी कहना है कि शादी होने के बाद भी यदि प्रॉपर तरीके से आईएएस ऑफिसर उनके साथ नहीं रहता है तो ऐसे में वो कोई बड़ा कदम उठाने से भी नहीं चूकती। तो यहाँ पर लगातार हमारे साथ संवाददाता अलीगढ़ से बने हुए हैं। जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मामला सामने आया है, शादी की जो बात की जा रही है, कितने दिनों पहले शादी हुई थी और कितने दिनों से ये आईएएस ऑफिसर के द्वारा लड़की के साथ जान पहचान या रिश्ता चल रहा है? जी, मैं बोल रही फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी और ये मामला जो है काफी 5-6 साल पुराना है और जब शादी जो हुई है, शादी को भी 1.5 से 2 साल बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार अलीगढ़ से अपने दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं, लव सेक्स धोखे का ये मामला सामने आया है यहाँ पर।
पीड़िता ने राष्ट्रपति से अब गुहार लगाई है। एक जिम्मेदार आईएएस ऑफिसर के द्वारा ये कारनामा किया गया है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, पीड़िता के साथ ही साथ पहली शादी की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। शादी का झांसा दिया और उसके बाद में काफ़ी दबाव होने पर शादी की एक साल डेढ़ साल की बेटी होने के बाद आईएएस ऑफिसर फरार हो गया। और अलीगढ़ के बाद अब बात करते हैं।